लेकिन भाव जिस तरह से रविकांत जी ने कहा कि अब वो अचानक से पंद्रह दिन में मायावती ने एक तस्वीर बदल दी है क्या ऐसा है क्योंकि अगर पंद्रह दिन में उन्होंने तस्वीर बदली है तो कई बातें खड़ी हो जाती है कि एक तो उत्तर प्रदेश में अः एंटी योगी या एंटी बीजेपी या जो एक एंटी इनकम्पेंसी की बात हमेशा यहाँ देखी जाती है पांच साल में बदलाव की उन सब समीकरणों को बिल्कुल मात देने वाली है क्या मायावती क्या समाजवादी पार्टी के लिए जो इतनी भीड़ जुट रही है वो सारी भीड़ और ये तमाम इस तरह की जो टक्कर दिखाई दे रही थी सपॉर बीजेपी बीजेपी के बीच में क्या उस पर भी सवाल खड़े होते हैं पंद्रह दिन में मायावती चुप रहने के बाद अचानक निकलती है कैंडिडेट को टिकट देके और बदल देती है सभी मुमकिन है देखिए एक टिकट उन्होंने बहुत पहले दे दिए थे इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा दो से तीन महीने पहले उनके टिकट तय हो गए थे देखिए दो तीन चीजें हैं एक जो कहा सबसे ज्यादा टिकट जिसके बिकते हैं जिसके प्रति खरीदने वालों को लगता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को एक विश्वास है कि कुछ ईवीएम में खेल हो जाए कुछ हो जाए ये चुनाव हारने वाले नहीं है इसलिए उससे ज्यादा दूसरे नंबर पर सपा थी क्योंकि लोगों को लगता है रिप्लेस सपा करेगी यदि जीतते हैं तो मायावती का लोगों को लग रहा था कई रेस में है नहीं इसलिए टिकटों की कीमत कम सीधा इकोनॉमिक्स है लेकिन मुझे रविकांत जी की इस बात को समझ में नहीं पाया मैं अभी मैं विचार कर ही रहा हूं उस पे कि मायावती ने इसलिए हमला नहीं किया बीजेपी के कि बीजेपी का जो कोर वोटर है सवर्ण वो नाराज हो जाएगा यदि बीजेपी का जो सवर्ण वोटर है वो तो अभी बीजेपी से नाराज है ही जो ब्राह्मण उनके खाते में था वो बीजेपी से भयानक नाराज है क्योंकि जो ठाकुरों की सरकार चली और ब्राह्मणों को ठोका है तो वो तो रिप्लेसमेंट करता है बीजेपी का जो कोर वोटर है वो पढ़ा लिखा है वो यदि योगी सरकार से नाराज है तो रिप्लेसमेंट देखेगा फिर वो बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं बोला बीजेपी को माफ कर दिया चलो बहुजन समाजवादी पार्टी, पार्टी पास ऐसा ऐसा नहीं होता पिछली बार जब 325 सीटें आई बीजेपी के ऐसे कई लोग हैं जो नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत पाए जिला पंचायत का चुनाव जीतने की औकात नहीं थी और एमएलए बन गए क्योंकि परसेप्शन एक था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार आएगी वो गुजरात मॉडल लागू करेगी और जितना जबरदस्त एक बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश विकास पूरा छा जाएगा और जो घोषणा पत्र था तो जो मोदी जी का जो एक परसेप्शन एक आभा थी कि ये बस लागू करेंगे और करवा देंगे अमित शाह स्वयं देखेंगे इसको अमित शाह तब हर नेताओं से बात हर समाज से बात करके समाज के नेताओं से बात करके जाटों से गुजरों से अलग अलग लोगों से बात करके विश्वास दिला रहे थे कि आपकी सरकार हार तब गधे घोड़े सब चुनाव जीत गए तब जीता उम्मीदवार किसी ने नहीं देखा कि नहीं ये जीता उम्मीदवार है बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए तब तो वो 325 में ऐसे लोग क्यों जीते क्योंकि परसेप्शन उनके पास था इस बार मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। जो लोग रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं वो देखते हैं कि सरकार को रिप्लेस कौन करेगा और वो जब देखता है कि पूरे प्रदेश में कहा है बहन जी किस क्षेत्र में है बहन जी बुदेलखंड में कुछ सिटी लेके आएगी बाकी जगह बहन जी कहां है लोगों को बहन जी को क्या रिस्पॉन्स मिलना ये दिखाई भी नहीं देता क्योंकि अखिलेश रोड शो पे निकलते हैं लाखों की तादाद में भीड़ आती है फोटो दिखते हैं सब लोग जब देखते हैं जब चर्चा होती है जब सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि अखिलेश ने तो आंधी खड़ी कर दी अखिलेश आ रहा है अखिलेश आ रहा है उसके उस लहर में बहुत सारे डेडिकेटेड वोट भी सोचते हैं कि नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी इस बार यदि हमने अखिलेश को नहीं दिया तो तो अखिलेश मजबूरी हो जाते हैं। मायावती ने जब ब्राह्मण और सब एक कर दिया ब्राह्मण के साथ नहीं जब सोशल इंजीनियरिंग की तो एक पूरा परसेप्शन बना था कि मायावती आ रही मायावती आ रही मायावती आ रही है और मायावती आ गई तो वो परसेप्शन मुझे बनता हुआ मैंने बार बार कहा कि कुछ उम्मीदवार स्वयंभू होते हैं 403 में कम से कम 50 उम्मीदवार ऐसे होंगे कि जो कोई भी पार्टी कई भी हो वो चुनाव हारत नहीं वो चुनाव जीतते है कोई भी लहर हो नहीं हो क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नर्सिंग बहुत अच्छा है कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका व्यवहार अच्छा है उनका जनमत के साथ लगातार संवाद बना हुआ है पुराना इतिहास है उन लोगों का तो वो लोग तो चुनाव हमेशा वो 40-50 लोग हमेशा दिखेंगे आपको विधानसभा में कोई सरकार है कोई जाए दे देआर देर विधानसभा तो ऐसे समाजवादी पार्टी में होंगे ऐसे बीएसपी में भी होंगे मैं मन, मना नहीं करता बीएसपी में होंगे लेकिन अखिलेश ने कैंडिडेट कमजोर दिया तो फिर इस कैंडिडेट को जीता और बाद में ये बीजेपी क्योंकि परिसप्टन तो ये हम भले ही कहे अभी अब, अब, अब एक बात ये है कि चार महीने पहले से जब चुनाव का माहौल शुरू हो गया तब से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीएसपी दमदार है समाजवादी पार्टी से बीजेपी के नेता कहते थे मिल मिलके अरे आप क्या बीएसपी को बोल रहे हो कुछ नहीं है देखिए बीएसपी नंबर टू पे रहेगी ये बोलने से उनको परसेप्शन बनाने में मजा आती है क्योंकि उनको मालूम है यदि वो नहीं आ रहे तो समाजवादी आ रही समाजवादी का यदि बार बार ये मीडिया में प्रचारित करो और ये बार बार कहो कि ये आ रही है और इसका वजूद बढ़ रहा है तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो करीब करीब पच्चीस परसेंट वोटर यदि फ्रेंच सीटर हो तो बहुत बड़ी स्विंग मिलती है और मायावती किसी भी हालत में 200 सीटें क्रॉस नहीं करेगी इतना इतने अच्छे टिकट देने के बाद ये बात तो तय है सब इस परसेप्शन के साथ कि मायावती की मायावती ने कई जगह डैमेज किया समाजवादी को और मायावती आ रही है मायावती आ रही है मायावती पचास साठ सीट लेके आती है बीजेपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसके बाद मायावती के लोग के चले जाएंगे टू थर्ड मायावती उनको निष्कासित करेगी पांच साल तक चुप रहेगी ये कई बार हुआ है कई राज्यों में हुआ है सबसे फ्रिजाइल और बिकने वाला कोई सेक्टर है तो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी देश के किसी भी राज्य में आप देखिए यहीं से लोग टूट टूट के जाते हैं इसलिए मतदाता कॉशियस है मैं बार बार कर रहा हूं लोग जाति धर्म नहीं देख रहे लोग योगी सरकार का रिप्लेसमेंट करना चाहते जब जनता पार्टी की जब आंधी आई थी तब ऐसे ऐसे लोग चुनाव हारे थे वो तो ठीक है कांग्रेस के जो दिग्गज थे बहुत पाप उनके सर पे था तो हार गए चुनाव लेकिन जो जीत के आए वो ऐसे महामहिम थे तब मैं इंदौर की बात बताऊं तो इंदौर में एक जनसाहब सांसद बन के आए थे और वो आखिरी था उनका एक बार सांसद बने जीवन में हो उसके बाद मरते दम तक लोक हर लोकसभा हर विधानसभा और हर इंदौर म्यूनसिपल कारपोरेशन का चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन एक ही बार सांसद बने उसके बाद कारपोरेटर तक नहीं बन पाए ऐसे 325 में आपको 150 लोग मिलेंगे बीजेपी के इस बार भी जो चुनाव जीत के लोग आएंगे उसमें ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको कि जो कारपोरेशन का चुनाव लड़ने की औकात नहीं थी लेकिन क्योंकि वो बीजेपी को रिप्लेस कर सकता है वो बीजेपी को अल्टरनेट सरकार दे सकते हैं योगी के जगह अल्टरनेट सरकार ला सकती है इसलिए वो लोग जीत के आएंगे एक यूफोरिया चल रहा है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिए तो कई जगह दलित भी नाराज है फिर वो दलित बीजेपी भी चला जाएगा समाजवादी को नहीं देगा तो तो वहां पे क्या फायदा आपका वोट दे के भी तो जी ये जो ग्राउंड रियलिटी दिखती है क्योंकि मुझे तो कम से कम 2014 के बाद तो एक बात समझ में आ गई चुनाव अब इश्यूज पे नहीं परसेप्शन पे लड़े जाते बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं भाव आप 2014 देखो 2012 देखो 17 देखो 2019 देखो क्या ऐसा तीन मार दिया सरकारों ने जो उन्होंने एक परसेप्शन बनाया और वो परसेप्शन तोड़ने में कोई कामयाब नहीं हुआ ममता ने परसेप्शन तोड़ दिया उन्होंने भी परसेप्शन बना लिया था कि इस बार 300 पार बंगाल में और पूरी ताकत झोंक दी थी उसने उसको टर्न कर दिया बंगाली अस्मिता पे खेल गई और उसने अभूतपूर्व क्या ऐसा कौन सा काम किया कौन सी ऐसी योजनाएं थी तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सबसे पुअर दीदी का विमजिकल स्वभाव से कोई जो दीदी के साथ काम करते उनको भी पूछो मैं ऐसे एक बहुत पत्रकार जो बहुत नजदीकी है उनको राज्यसभा ऑफर हो गई थी मैंने कहा अरे दादा आपको राज्यसभा दीदी दे रही क्यों नहीं अरे बोले बहुत विमजिकल है यार राज्यसभा देगी कल बेइज्जत करेगी अपन पत्रकार ही ठीक है समझ गए ऐसे ऐसे महिला ने क्रांति कर दी नया इतिहास लिख दिया कुछ नहीं करते हुए नया इतिहास लिखा क्योंकि उसने परसेप्शन बदला वो परसेप्शन पे ही खेलती गई उसने बंगाली अस्मिता को बोल दिया तुमने जय जयशराम डा बोल दिया इसने बोला काली का प्रदेश है देखो क्या कर रही है काली को गाली दे रहे हैं बीजेपी की जैसे खेली हो बीजेपी ने कभी काली को गाली दी नहीं दी लेकिन जय राम को बोलना इसका मतलब गाली, काली माता को गाली देना ऐसा उसने बनाया और काली माता का प्रदेश है उन्होंने बिल्कुल राक्षस समझ के रोन दिया बीजेपी को तो उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे भी जाइए आप कहीं पान, पान की दुकान पे या ढाबे पे कहीं बैठ के आप आप उनको बोलिए लोग आप बीजेपी का बन के बात करिए उनसे हुँ. बोले नहीं, नहीं 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 तुम्हें तो, तो मैंने फिर समाजवादी बोले मुलायम सिंह वाली पार्टी ने ऐसा क्या किया अभी तक जीवन अरे बोले पहले इसको तो हटाओ उससे तो ज्यादा बुरा किया इसने नापनाथ नागनाथ और सापनाथ मुझे सापनाथ तो चले गा नाग काय को पालो सवाल ये है इसलिए कहीं ना कहीं ये इक्वेशन मतलब मायावती पहले समय मायावती ने चार बीस किया मायावती पहले मायावती कहीं ना कहीं और दूसरी बात है कि वो जो तेवर है मायावती आपने जरूर कहा कि मायावती ने कभी किसी का पीछ लग्गा नहीं रहा लेकिन 2014 के बाद रविकांत जी देश की स्थिति बदल गई शिवसेना का नारायण राणे जिसका आवाज से पूरा बंबई हिलता था दो ईडी के नोटिस पहुंचते तो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है बहुत कम लोग हैं लालू यादव जैसे जो जेल में रहके भी, भी लड़ने की मादमा रखते हैं बाकी कौन सब सरेंडर करते हैं क्या मुलायम सिंह यादव जाके दस बार सरेंडर कर नहीं आए सीबीआई केस में और केस ऑलमोस्ट बंद ही करवा दिया था फिर खुल गया वो डर सबको है क्योंकि ये जिस हिसाब से एजेंसी का उपयोग करते हैं मर्सी काशीराम में वो जेल में जाने की हिम्मत थी बहन जी में नहीं है इन्हें जयललिता जैसे शेरनी को नहीं छोड़ा उसको अंदर कर दिया तो मायावती जब ये देखती है बीजेपी का सीधा रूल है हमारे साथ आओ सौ करोड़ रुपए ले लो एंजॉय करो नहीं तो तुम्हारे पास जो सौ पड़े हैं वो भी जब्त करवाएंगे और जिंदगी जेल में रहेगी भिखारी बन जाओगे क्योंकि रेले जो है सबके पीछे इतिहास भ्रष्टाचार का सबके पीछे है और खासकर उत्तर प्रदेश में, में तो कोई दल ऐसा बचा नहीं है जो ये कहे उजले माथे से कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ हरेक के केसेस पेंडिंग है हरेक का पैसा कैसा है और ये सरकार तो सबसे पहले आतंकवादियों पे नहीं है सबसे पहले पॉलिटिकल पैगेस में दिखाई दिया है कि कैसे पत्रकार क्या अपने खुद के लोगों पर भी इन्होंने स्पाइन की सिर्फ इस इतना ही आके के पे हाथ रख के बोलना होता है कि कैसी चल रही है ऑस्ट्रेलिया का आपका इन्वेस्टमेंट चार फाइव स्टार खरीदे सुना मैंने उतने में तो पैर में गोले आ जाते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है आप हमारे हो इंफॉर्मेशन इन, आई थी हमारे पास हमने कहा कि अरे भाई ठीक है सब करते हैं हमारे लोगों ने किया तो क्या हुआ हाँ साहब हम आपके हैं यही कारण है ये परसेप्शन दिख रहा है नहीं तो मायावती किसी के पीछे रहने वाली नहीं मायावती इतना चुप रहती दलितों पे अत्याचार होते और मायावती चुप रहती आग लगा देती यूपी में एक बरात करके पीछे उसकी हिम्मत थी उसके उसमें दम था फॉलोइंग था और समाजवादी पार्टी से अच्छा कैडर था उनका वही सवाल है ना भाव की हर जगह हर जगह हर, हर जगह डर से फर्क पड़ेगा परसेप्शन पर परसेप्शन पर टिकट बंटवारे से कितना फर्क पड़ेगा वही समझना है ये, वो मुझे पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है ओके हाँ, कुछ सीटें जाएगी जरूर मैं ये नहीं कहता कि एकदम मायावती को ये, उसने ट्रैंगर फाइट कर दी है तो उनका रहा है ऐसा तो नहीं काडर थो, थो तो है भी तो उसका उतना वोट परसेंटेज तो उनका बना ही था लेकिन जब भी चुनाव हुए तो सरकार बनने के लिए चुनाव होती है ये यूपी का पहला चुनाव है जहाँ सरकार बदलने के लिए चुनाव हो रहा है यहाँ पूरा विपक्ष मरणासन्न स्थिति में था उसके बाद लोग रस्ते पे आए हैं जब लोग चुनाव लड़ता है लड़ते हैं ना इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों ने चुनाव लड़ा था जयप्रकाश जी ने तो सिर्फ हूंकार दिया था जी कौन थे लालू प्रसाद यादव कौन जानता था बाकी लोगों को लेकिन ये लोग रास्ते पे उतरे थे और तय कर दिया था कि इंदिरा गांधी को घर भेजना है लॉक स्टॉक बैरल तो भेज दिया और सारे गधे घोड़े सब चुनाव जीत गए थे तब नरेंद्र मोदी आए तेरह में दो हजार चौदह में तो एक आंधी आई लोगों ने कांग्रेस को हटाना तय कर लिया फिर ऐसे कैसे कैसे लोग चुनाव चुनाव जीत जीत गए, गए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे कैसे सांसद उसके बाद राष्ट्रवाद का तड़का तो कभी धर्म का तड़का वो सारे तड़के हो गए खत्म क्योंकि योगी जी ने इतना बड़ा तड़का लगा दिया उत्तर प्रदेश में कि उसके प्रताड़ना के आगे बाकी तड़के जब आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो तो कितना भी बड़ा पकवान हो खाने की इच्छा नहीं होती दांत का दर्द साबित हुआ तो बीजेपी जो भी भी परोस रही है कोई लेने को तैयार नहीं उसको। जी यही जी कारण मुझे लगता है कि इनकी लॉटरी लग गई है इनने कोई मतलब ये रविकांत जी ने जो कहा यह लिटरली 350 नहीं साढ़े तीन तक सीटें ले जाते थे, थे समाजवादी पार्टी यदि इन्होंने थोड़ा सा दिमाग से काम किया होता जो कैलकुलेशन उसने किया वो क्योंकि परसेप्शन इनके फेवर में था बस इनको थोड़ा सा टिकट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और छोटी बाकी लोगों से कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी हाय हेलो करके बस साथ में बिठा लेते सत्ता में दे देंगे एक एकाथ मंत्री पद दे देंगे आप चिंता मत करो साथ में रहेंगे एमएलसी बना देंगे कारपोरेशन का चेयरमैन बना देंगे इसमें भी लोग साथ आने को तैयार थे लेकिन इनको भी लगा कि ये जो भीड़ आ रही है मेरे लिए आ रही है अब कई बार क्या समझो ये जब बैलगाड़ी चलती है तो उसके पीछे जो कुत्ता चलता है नीचे उसको लगता है कि मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूं और फिर उसको इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो बैठ जाता है बोलता है अभी बैलगाड़ी कहां से चलेगी बैलगाड़ी आगे निकल जाती है जब धूप लगती कुत्ते को तब समझ में आता है कि मैं मेरे वजह से नहीं चल रही थी वो तो अपने आप चल रही थी वो मेरे को छाव दे रही थी तो ये गड़बड़ तो हो गई है लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार तभी चेंज होगी जब समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पे 200 के आसपास सीट लेके आएगी समाजवादी दीवा। यदि गठबंधन के साथ 215 भी लाती है तो फिर सरकार बीजेपी की बनती है क्योंकि वो गठबंधन कितना फ्रजाइल है ये हमने देखा है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो इनके साथ आए हैं कसमे खा खा के वो नोट के बंडल में कैसे तुलते हैं और जो तोलने वाले हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है तो वो तो दो सीट के ऊपर भी सरकार बना लेते हैं या तो यदि उनको पचास कम पड़ गए तो वो खींच लेंगे अब तो जी अभी अब, इतनी लड़ाई इजी नहीं है जितनी अपने को लगती है जाहिर है नतीजे आने के नतीजे आने नतीजे आने के बाद भी सरकार बनने में हो सकता है नतीजे आने के बाद भी सरकार बनने में एक महीना लगे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा